गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ माधुरी और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक झूमर का वीडियो, माइक्रेम झूमर का वीडियो। और ये वीडियो होने वाला है स्क्वायर शेप में। तो बहुत सालों से मैंने स्क्वायर शेप झूमर नहीं अपलोड किया था, तो आज मैं फाइनली स्क्वायर शेप झूमर अपलोड कर रही हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को करना है सब्सक्राइब, अगर किसी ने नहीं किया है तो साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना है ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। और कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो कैसा लगा, और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और लाइक ज़रूर कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, उससे हमें मिलता है मोटिवेशन और कुछ नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। तो ये उससे भी पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, और आपने भी देखा होगा मैंने मेरे चैनल पर कभी प्रमोशनल वीडियो नहीं किए हैं, और ये भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है। ये मुझे बहुत ही पसंद आया इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, थोड़ा सा यूनिक है और मेरी ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ है तो उनको इसका फ़ायदा होगा, इसलिए मैं यहाँ पर ये शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। पैकेजिंग की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा पैकेजिंग है। यहाँ पर उन्होंने एक नोट दिया है कि इसे किस तरह से वॉश करना है, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये है स्क्रंचिस, और यहाँ पर एक क्यूट सा नोट उन्होंने दिया है, और ये है इंस्टा आईडी उनका। ये मैंने इंस्टाग्राम पेज से मंगवाए है और काफ़ी यूनिक है, आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। तो इनका इंस्टा आईडी है थ्रेड एंड नीडल्स, और इसकी सारी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको अच्छा लगा तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं, छोटा सा स्मॉल बिजनेस है, आप कुछ खरीद कर उनके हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये मैंने कस्टमाइज़ करके लिया है 3 कलर में, इसमें और भी कलर अवेलेबल है तो आप उनका पेज चेक कर सकते हैं, उसमें आपको और भी कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, या फिर आप आपके कलर के चॉइस से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो इस स्क्रंचिस की खास बात ये है कि इसे यहाँ पर पॉकेट दिया गया है, तो आपके पास हाथ में अगर कुछ भी छुट्टे पैसा वगैरह कुछ भी हो तो आप इसमें इस तरह से रख सकते हो, या फिर छोटी मोटी सी ज्वेलरी भी आप इसमें कैरी कर सकते हो, जैसे कि अंगूठी वगैरह कुछ हो गया या इस तरह से। तो ये देखिए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ये अगर इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो ये सेटिन बहुत ही स्मूथ और अच्छी क्वालिटी का है, और इलास्टिक भी इसका काफ़ी अच्छा है। तो ये मैंने 3 कलर में लिया है, स्काई ब्लू कलर, पिंक कलर और पीच कलर, और ये ब्लैक। ब्लैक तो हर किसी पर चल जाता है इसलिए मैंने ब्लैक लिया है। और उन्होंने एक मुझे एज ए गिफ्ट एक और भी भेजा है जो स्मॉल है, इसमें कोई पॉकेट नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही स्मॉल रेगुलर वाला है। तो ये पॉकेट के आजकल नए आए हैं और मैंने काफ़ी जगह पर इस तरह से देखे, तो इसलिए मैंने ये कस्टमाइज़ करवा लिया है। तो अगर आपको इसमें से कुछ अच्छा लगा तो आप बाय कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इनकी इंस्टा आईडी की। तो छोटा सा बिजनेस है, कुछ खरीद कर आप इनकी हेल्प कर सकते हैं, स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल यहाँ पर मैंने 8 कॉर्ड ली है, और सारे कॉर्ड हमारे 3.5 मीटर के कॉर्ड है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये टोटल 8 कॉर्ड है, और अब हम इसे हाफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे हाफ़ कर लिया है कॉर्ड को, तो यहाँ पर टोटल 16 कॉर्ड होते हैं। तो ये देखिए, ये जो है ये कॉर्ड का सेंटर है, इसी से लगा कर 2-3 इंच साइड में हम यहाँ से कॉर्ड को रैप करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो कॉर्ड ली है वो 1/2 मीटर की कॉर्ड है, अब हम सारे कॉर्ड के ऊपर इस कॉर्ड को जो है रैप करेंगे। तो हमें ऊपर झूमर हैंग करने के लिए लूप बनाना है, तो उसके लिए हम ये रैप कर रहे हैं। तो आपको लूप का साइज जितना चाहिए वहाँ तक आप इसे रैप कर सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने 3 इंच तक ये पूरा रैप कर लिया है, तो कुछ इस तरह से है ये हमारा लूप जो है बन गया है। अभी मैं यहाँ पर और एक एक्स्ट्रा कॉर्ड लूँगी, और ये 30 सेंटीमीटर की कॉर्ड है, और इसे इस तरह से लूप बनाएंगे और इसे डबल करके अभी हम यहाँ पर रैप करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमने रैप कर लिया है, जो अभी लूप बनाया था उसमें से कॉर्ड डालकर अभी हम ऊपर की कॉर्ड जो है वो खींच लेंगे, ताकि अच्छे से अंदर से लॉक हो जाए।
और बाकी बचे कॉर्ड अभी हम इसके कट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए टोटल हमें 4 कॉर्ड जो है वो कट करने हैं, उसके बाद अभी हमें ये स्टिक कर देना है। तो यहाँ पर मैंने लाइटर से इसे थोड़ा सा जलाकर यहाँ पर स्टिक कर रही हूँ। आप ये प्रोसीजर बहुत ही केयरफुली कीजिए। तो यहाँ पर ये हमारा लूप बन गया है, अब इससे हम झूमर हैंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं 4 कॉर्ड ले रही हूँ, 8 कॉर्ड थे तो डबल किया तो 16 कॉर्ड हमें मिले हैं टोटल। तो यहाँ पर मैं 4 कॉर्ड लेके यहाँ पर नॉट लगा रही हूँ। ये जो नॉट है ये हम थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के लगाएंगे, यानी कि 1 इंच के डिस्टेंस छोड़ कर ये जो नॉट है वो हम लगाएंगे थोड़ा सा लूज में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने पिंक कलर का मटका शेप लिया है और जो मिडल वाले दो जो नॉट है उसके मिडल वाले जो कॉर्ड है उसमें मैंने ये डाल लिए है पहले सब एक ही बार में। अब हम यहाँ पर नॉट लगाकर ये जो है बीट्स का कॉलम बना लेंगे। तो मैं यहाँ पर 3 बीट्स तक ये कॉलम बना रही हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 बीट्स डालकर मैंने ये इस तरह से नॉट लगाकर ये कॉलम बनाया। अब फिर हम 1 इंच का डिस्टेंस छोड़कर यहाँ पर नॉट लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा पहला कॉलम जो है बनकर रेडी है, बाकी सब भी हमें इसी तरह से बना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 4 कॉलम इस तरह से सेम बना लिए हैं। अभी यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर रिंग ली है जो कि हमारी 4 इंच की रिंग है। तो ये आपको लोकल मार्केट में कहाँ पर भी मिल जाएगी, जहाँ पर डेकोरेशन के आइटम्स मिलते हैं वहाँ पर। तो ये देखिए अभी ये कॉलम जो है सारे रिंग के अंदर से ले लेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए ये जो कॉलम है ये सब कॉर्नर पर हमें अटैच करना है। तो मैं कॉलम को रिंग के नीचे से ले रही हूँ। और यहाँ पर पाइपिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसे इस पाइपिंग को जो है हिच नॉट भी कहते हैं। तो सारे कॉर्ड को अभी कॉर्नर से अटैच करेंगे। 4 कॉलम है तो 4 कॉर्नर को हम इसे अटैच करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉलम जो है हमारे अटैच हो चुके हैं। अब देखिए ये जो रिंग में बीच में जो गैप बचता है वहाँ पर हमें कॉर्ड इंसर्ट करने हैं। तो मैंने यहाँ पर ये कॉर्ड लिए है और सारे कॉर्ड यहाँ पर 3 मीटर के हैं। इस तरह से मैंने कॉर्ड को हाफ कर लिया है। अभी देखिए रिंग के नीचे से इस तरह से लेंगे, लूप से बाहर निकालेंगे। तो कुछ इस तरह से हम जो है सारे कॉर्ड को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर टोटल 8 कॉर्ड मुझे लगे हैं। तो सारी जगह पर हमें 8-8 कॉर्ड डालने हैं। तो टोटल 32 कॉर्ड यहाँ पर हमें लगेंगे। तो सारे कॉर्ड यहाँ पर लग चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा 8-8 कॉर्ड मैंने यहाँ पर इंसर्ट किए। तो टोटल 32 कॉर्ड हमें यहाँ पर लगे हैं। सारे कॉर्ड हमारे 3 मीटर के हैं। अब हम कोई भी एक साइड से नॉट लगाना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 कॉर्ड को पकड़ा है और यहाँ पर लगा रही हूँ स्क्वायर नॉट। तो इसी तरह से एक लाइन हमें पूरा ये स्क्वायर नॉट लगा लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे कॉर्ड को नॉट लगाकर हो गया है। अभी देखिए एक साइड में हमें 4 कॉर्ड मिलते हैं, सॉरी 4 नॉट मिलते हैं।
तो अभी दो नोट के बीच में एक हम बीट्स लगाएंगे, तो इस तरह से सारे लाइन पूरी हम बीट्स डाल लेंगे सबसे पहले। तो देखिए एक लाइन हमने यहाँ पर बीट्स डाले हैं, टोटल हमारे 5 बीट्स यहाँ पर हैं। अब हम नीचे के लाइन में नॉट लगा लेंगे जो कि हमारा स्क्वायर नॉट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड लाइन मैंने 4 बिट्स डाले हैं और अभी हम यहाँ पर लगा रहे हैं नॉट जो स्क्वायर नॉट है। तो इसी तरह से हमें ये ट्रायंगल बना लेना है। अभी इसके नीचे आएंगे 3 बिट्स, उसके बाद में 2 और फिर 1, तो इस तरह से ये ट्रायंगल बनेगा हमारा। यहाँ पर देखिए ये हमारा बीट्स लगाकर इस तरह से ट्रायंगल बनकर रेडी है। 5 नॉट से स्टार्ट किया था बीट्स से और 1 बीट्स पर ये ख़त्म हो गया है। अभी इसी तरह से ये ट्रायंगल जो है हमें और 3 साइड में बनाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमने चारों तरफ से इस तरह से बीट्स लगाकर ये बना लिया है ट्रायंगल। तो अभी नेक्स्ट रिंग अटैच करने से पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं मिडल वाले जो कॉर्ड है, मतलब दो ट्रायंगल के बीच में वो जो 1 नॉट लगाया था हमने 1 बीट्स का, वो वाले 4 कॉर्ड जो है वो छोड़ देंगे। बाकी दो ट्रायंगल के बीच में जितने भी कॉर्ड है उतने सारे कॉर्ड हम लेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से 8 कॉर्ड और दूसरे साइड से 8 कॉर्ड, तो इस तरह से हमने ये कॉर्ड लिए है और यहाँ पर हम लगा रहे हैं एक स्क्वायर नॉट। तो स्क्वायर नॉट के लिए मैंने एक हाथ में 4 कॉर्ड पकड़े, दूसरे हाथ में 4 कॉर्ड पकड़े और बाकी सारे कॉर्ड जो है वो मिडल में ले लिए और इस तरह से ये जो है स्क्वायर नॉट हमने यहाँ पर बनाया है। अब इसे थोड़ा सा टाइटली हम यहाँ पर सिक्योर कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए एक कॉर्नर से हमने इस तरह से स्क्वायर नॉट लगाया है, ठीक उसी तरह से बाकी कॉर्नर में भी हमें ये स्क्वायर नॉट लगा लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये टोटल मैंने 4 इस तरह से बड़े बड़े नॉट यहाँ पर लगाए हैं। अब हम यहाँ पर रिंग अटैच करेंगे और यहाँ पर देखिए मैंने और एक स्क्वायर रिंग ली है जो हमारी 6 इंच की रिंग है। तो अभी रिंग के अंदर सारे कॉर्ड को इस तरह से डाल लेंगे और देखिए ये जो सेंटर वाला जो कॉर्ड है जो बीड्स वाला उसे लेंगे और रिंग के सेंटर में हम पाइपिंग करेंगे। सॉरी थोड़ा सा कैमरा से बाहर हो गया है, लेकिन यहाँ पर हमने की है सेंटर में सेंटर कॉर्ड को लेकर पाइपिंग। तो जिस तरह से हमने एक साइड में ये पाइपिंग की है सेंटर की कॉर्ड लेकर, उसी तरह से तीनों साइड से हमें इस रिंग के पाइपिंग करके इस रिंग को सिक्योर करना है। तो यहाँ देखिए इस रिंग को सिक्योर करने के बाद देखिए जो कॉर्नर से हमने वो नॉट लगाए थे उन सबको मैंने रिंग से अटैच किया है। तो वो किस तरह से अटैच किया है वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये जो नॉट है, नॉट के सारे कॉर्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं एक कॉर्नर में आएंगे, जो मिडल वाले हमने जो पाइपिंग किए हैं उसके बीच में ये सारे कॉर्ड हमें बिठाने हैं। तो यहाँ पर देखिए नॉट जो हमने लगाए थे उसके साइड वाले कॉर्ड जो है उसे पहले हम लेंगे और यहाँ पर कर रही हूँ मैं पाइपिंग। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो नॉट की मिडल वाले कॉर्ड है उनको लेकर इस रिंग के कॉर्नर पर अभी हम अटैच कर देंगे और बाकी बचे उस साइड के कॉर्ड उस साइड में दूसरे साइड में अभी हम अटैच कर देंगे। तो इस तरह से ये सारे कॉर्ड एक कॉर्नर जो है पूरा मतलब कवर कर लेंगे ये सारे कॉर्ड एक नॉट के।
रिंग से अटैच करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते पूरी एक लाइन हमें यहाँ पर स्क्वायर नॉट लगाना है। तो नॉट लगाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने दो दो कॉर्ड में एक एक मटका शेप बीट्स डाला है पिंक कलर का मीडियम साइज। तो ये पूरा एक जो स्क्वायर है मैंने पूरे बीट्स डाल लिए हैं। अब देखिए दो बीट्स को लेकर यहाँ पर एक हम नॉट लगाएंगे, स्क्वायर नॉट लगाएंगे। तो इस तरह से ये पूरी लाइन अभी बीट्स की हो गई। अभी उसके बाद में फिर से एक लाइन ये स्क्वायर नॉट हम लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये मैंने टोटल पांच लाइन तक इस तरह से बीट्स डालकर नॉट लगाया है। नॉट लगाने के बाद फिर से दो कॉर्ड में एक बीट्स डालना है, इस तरह से एक लाइन बीट्स की डालनी है फिर नॉट लगाना है। तो इसी तरह से ये पांच लाइन तक मैंने किया है और अभी फिर से बीट्स डालकर मैं यहाँ पर नॉट लगा रही हूँ। तो यहाँ पर ये पांच लाइन तक बीट्स लगाकर हमारे हो गए हैं। अब हम थर्ड रिंग जो है वो अटैच करेंगे जो कि हमारे 8 इंच की रिंग है स्क्वायर शेप में। तो ये रिंग अभी हम इस झूमर से अटैच करेंगे, तो मैं ऊपर से ही इसे डाल रही हूँ। तो इस तरह से हम रिंग को अंदर डाल लेंगे और अभी एक एक कॉर्ड को लेकर यहाँ पर अभी हमें इस रिंग से अटैच करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये कॉर्नर से पहले एक एक नॉट अटैच कर लिया है ताकि रिंग अच्छे से सिक्योर हो। उसके बाद में बचते हमारे पास मिडल में चार चार नॉट मिलते हैं। तो चार चार नॉट को लेकर यहाँ पर अभी हम पहले पाइपिंग कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने की है। तो ये साइड में जो गैप बचता है ना वहाँ पर हमें बाद में कॉर्ड इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले ये पाइपिंग करके हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए रिंग को सारे कॉर्ड अटैच करने के बाद ये देखिए रिंग में ये जो गैप बचता है ना वहाँ पर अभी हम कॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे हाफ मीटर के कॉर्ड है और ये एक गैप में मैं तीन कॉर्ड डाल रही हूँ। तो टोटल एक साइड में हमें 6 कॉर्ड डालने हैं और पूरा टोटल 24 कॉर्ड यहाँ पर हमें अटैच करने हैं सारे हाफ मीटर के। और यहाँ पर देखिए मैंने ये जो कॉर्ड डाले हैं ना सिंगल एक ही बार इस तरह से डाले हैं, उसके बाद एक बार मैंने इसे फिर से पाइपिंग किया है, मतलब एक हिच नॉट लगाए है सिंगल हिच नॉट एक ही साइड से। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। तो जितने भी कॉर्ड यहाँ पर इंसर्ट करेंगे आपको इसी तरह से इंसर्ट करना है। तो एक गैप में 3 कॉर्ड यहाँ पर लग जाएंगे आपको। तो एक साइड में हमने कॉर्ड डाल ली है, उसी तरह से हमें बाकी 3 साइड में भी 6 कॉर्ड डालने हैं टोटल। अब यहाँ पर नीचे देखिए कॉर्ड हमारे सारे अटैच हो गए हैं। तो एक लाइन यहाँ पर हमने स्क्वायर नॉट लगाई है पूरे स्क्वायर में। उसके बाद में एक लाइन हमने इस तरह से बीट्स डाले हैं, दो नॉट के बीच में हमें ये बीट्स डालने हैं। तो पूरा जो स्क्वायर है मैंने पूरे बीट्स डाल लिए हैं। अब हम यहाँ पर लगाएंगे एक स्क्वायर नॉट और ये देखिए यहाँ पर मैं ब्लू कलर के बीट्स लगाए हैं। आप चाहे तो पिंक कलर के भी लगा सकते हैं, मेरे पास पिंक कलर के कम थे तो मैंने ये नीचे ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन किया है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं या फिर मिडल में भी कुछ कॉम्बिनेशन कर सकते हैं या फिर एक ही कलर में भी इसे रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं यहाँ पर लगाने जा रही हूँ स्क्वायर नॉट। तो अभी एक पूरा स्क्वायर जो है हम स्क्वायर नॉट लगा लेंगे।
गाइज अब देखिए यहाँ पर नॉट लगाने के बाद हमने यहाँ पर फिर से बिट्स डाले, लेकिन यहाँ पर अभी हमने बिट्स कम कर दिए हैं। तो एक स्क्वायर के साइड में हमें 8 बिट्स मिले हैं, तो हर एक साइड में 8 बिट्स आते हैं फर्स्ट लाइन में। तो अभी हमने यहाँ पर नीचे देख के 7 लाइन जो है बिट्स की लगाई है, और साइड वाले कॉर्ड हम छोड़ते हुए इस तरह से ये स्क्वायर नॉट लगा लेंगे हम यहाँ पर। और यहाँ पर मैं और एक बात मेंशन करना चाहती हूँ, ये वीडियो बहुत ही बड़े लंबे होते हैं, तो इसलिए मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड में दिखाने की कोशिश करती हूँ। अगर कोई बिगनर हो, कोई नया हो, तो आप मेरे बेसिक वीडियो पहले ट्राई कर सकते हैं। बेसिक वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप पहले वो ट्राई कीजिए, उसके बाद में बड़े प्रोजेक्ट ट्राई कीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा ट्रायंगल इस तरह से हमने बनाया है 1 बिट्स तक। और यहाँ पर मैंने ये कुछ इस तरह का नॉट लगाए हैं, तो ये नॉट मैंने ऑन कैमरा लगाया था, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग बटन ऑन करना भूल गई। तो इसे किस तरह से बनाता है वो भी मैं बताती हूँ। 4-5 नॉट लगाकर आप उसे घुमा कर लेंगे तो इस तरह से ये नॉट बन जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से ये ट्रायंगल मैंने बाकी 3 जगह पर भी कर लिए हैं। तो बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छी बनेगी। और कुछ डिफ़िकल्टी आपको इसमें नहीं आएगी, क्योंकि ये पूरा स्क्वायर नॉट से ही बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए अभी इसकी हम कटिंग करेंगे। तो मैंने एक जो ट्रायंगल है उसके सारे कॉर्ड ले लिए हैं, और ये मिडल वाला जो हमने नॉट लगाया था वहाँ से हम कट करेंगे। तो मैं 5-6 इंच के डिस्टेंस पर जो फ्रंट वाला कॉर्ड है उसे कट करूँगी, बाकी सारे कॉर्ड इससे भी थोड़े थोड़े कम हम कट करेंगे। तो कुछ लोगों को वो एक लेवल जो कॉर्ड कटिंग करना नहीं आता, तो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। देखिए नेक्स्ट 2 कॉर्ड हम ले रहे हैं इस तरह से, क्योंकि 2 कॉर्ड में हम बेल डालेंगे। तो पहले जो कॉर्ड था उससे मापेंगे, और उससे थोड़ा सा कम 2-3 सेंटीमीटर कम हम नेक्स्ट वाला कॉर्ड कट करेंगे। तो इसी तरह से हमें बाकी सारे कॉर्ड जो है कट कर लेने हैं। तो जिस तरह से हमने यहाँ से कॉर्ड कट किए हैं, उसी तरह से हमें दूसरे साइड से भी कॉर्ड कट करने हैं। और जो कोने में ऊपर एक कॉर्ड बचता है उसे एज इट इज़ रखना है हमें। तो यहाँ पे देखिए सेंटर का जो कॉर्ड है वो मैंने यहाँ पर लिया है। इसमें हम डालेंगे पिंक कलर के मटका शेप बीड्स, क्योंकि मेरे पास एक गणेश जी के एक हैंगिंग है जो मैं मिडल में कभी कभी यूज़ करती हूँ, तो इसलिए इस बार भी मैं मिडल में वही यूज़ कर रही हूँ। तो ये पिंक कलर के मटका शेप बीड्स डाले हैं, क्योंकि जो गणपति बप्पा है वो भी हम पिंक कलर की ही यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं मिडल में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से ये यूनिक सा मेरे पास एक हैंगर है जो अभी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो मिडल में हम ये लगा रहे हैं, और यहाँ पर देखिए लाइटर की सहायता से हम इसे थोड़ा सा जलाकर स्टिक कर देंगे। और हमेशा की तरह जैसे मैं कहती हूँ, थोड़ा केयरफुली कीजिए। अब देखिए यहाँ पर साइड वाले जो है उसमें मैं ब्लू कलर के बिट्स डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 मटका से बिट्स लिए हैं ब्लू कलर के, तो हम 2 बिट्स डालकर यहाँ पर ब्लू कलर का ही बेल यूज़ करेंगे, जो कि हमारा मीडियम साइज बेल है ब्लू कलर में। और ठीक उसी तरह जैसे मैंने अभी आपको एक हैंगर दिखाया था, उसी तरह से हम थोड़ा सा लाइटर से जलाकर यहाँ पर इसे स्टिक कर देंगे। तो इसी तरह से बाकी साइड से हमें ब्लू कलर के ही सारे डाल लेने हैं, और इसी तरह से बाकी 3 जो कॉर्नर है ट्रायंगल है उसे भी हमें कंप्लीट करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मैंने सब साइड में इसी तरह से ये बेल लगा लिए हैं, बीच में पिंक कलर का और साइड में ब्लू कलर का इस तरह से बेल लगा लिए हैं। अब देखिए ये जो कॉर्नर है
उस कॉर्नर में एक एक जो कॉर्ड है बचते हैं, तो दोनों साइड से एक एक कॉर्ड, दो कॉर्ड एक कोने में आपको मिलता है। तो इसी तरह से चार ही कॉर्नर में आपको ये 8 कॉर्ड इस तरह से मिलेंगे। आप चाहे तो इसे कट कर स्टिक कर सकते हैं, या फिर आप इसे मिडल में लेकर कुछ डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये कॉर्ड जो है वो मैं मिडल में लेकर इसे हैंगिंग कर रही हूँ सेंटर में, लेकिन ये जो कॉर्ड है थोड़े कम थे, तो मैंने थोड़े वेस्टेज कॉर्ड जो बचे थे झूमर के, उसे यहाँ पर यूज़ किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 8 कॉर्ड है। तो यहाँ पर देखिए, वेस्टेज से ये मैंने 5-6 कॉर्ड लिए हैं इस तरह से, और ये आधा मीटर से भी थोड़े से कम ही है। मैंने अंदाजे से लिए है, क्योंकि जहाँ तक मुझे इसकी हाइट चाहिए थी वहाँ तक मुझे लंबे मिल गए थे, इसलिए मैंने ले लिए। तो इसे इकट्ठा मैंने पकड़ा है अभी उस बाकी सारे कॉर्ड के साथ। अब हम इसे एक एक्स्ट्रा कॉर्ड लेंगे 30 सेंटीमीटर के, और हम इसे अभी यहाँ पर टाई करेंगे। तो कुछ इस तरह से हम इसे टाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने सारे बेल लगा लिए, उसी तरह से यहाँ पर एक मटका से बिट्स डालकर सिंगल सिंगल कॉर्ड में यहाँ पर अभी हम बेल लगाकर लाइटर से स्टिक कर रहे हैं। फॉलो कीजिए वहां पर। जल्दी मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।